एक डंबल है, ये योगा मैट है, सारा कुछ लेके जाओगी। धूप इतनी ज्यादा हो गई है, तुम लोग आई थी तो तुम्हारे पास एक एक बैग था। हाँ भाग भूग मत करा, चल भागा। ना हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। मैं शांति स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल गांव की शांति में। अभी आप सब देखेंगे तो सोचेंगे कि ये क्या दिखा रही है शांति दी। तो यहाँ पे ना गेहूँ जो हमारे घर में गेहूँ कट के आया था वो जा रहा है बेचने के लिए। और ये देखिए काफ़ी टाइम लग रहा है, 1.5 घंटे से गेहूँ यहाँ से बाहर निकाल के जा रहा है। और मजदूर लगे थे यहाँ पे 2, और वही लोग जो है वो यहाँ से लेके जा रहे हैं। अब रूम एकदम खाली खाली सा हो गया है और इतना ज़्यादा गेहूँ नुकसान। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको ना झाड़ के फिर इसको सूप से फटक के इसकी सारी मतलब जो इसमें गंदगी है निकाल के इसको धो के ना किसी जिनके पास गाय भैंस है ना, जो हमारे दूध वाले भैया हैं जो दे के जाते हैं, उनको दे दूंगी तो उनकी भैंस और गाय खा जाएंगी। अनाज है तो अन्न का अपमान क्यों करना। मैं नहा के सीधे यहीं पे आ गई इसी को साफ़ करने के लिए, क्योंकि ये लोग गए हैं 8 बजे, 6-7 बजे, पता नहीं, मेरे को टाइम नहीं पता था। लेकिन ये पता है मैं बहुत जल्दी ही आज जग गई हूँ। मेरे सर में ना मेरे को माइग्रेन की थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो कभी कभी हो भी जाती है। तो बस मैं इसी को यहाँ पे साफ़ कर रही हूँ। और आज ये लोग जो है वो चली भी गई हैं, जब तक ये वॉइस ओवर कर रही हूँ। कैसे हो आप सब। मैं शांति स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल गाँव की शांति में। और मैं वीडियो स्टार्ट कि अपने चेहरे पे स्माइल प्लीज प्लीज कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब याद से बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप सबको मिल जाए। और सब्सक्राइब रेड कलर का लिखा रहता है वहीं से किया जाता है, सब्सक्राइब करने के कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। सुबह का नहीं, सुबह से थोड़ा सा ज्यादा वाला टाइम है। आज हमें 4 बजे ही उठना पड़ा, फाइनली हमारे घर से गेहूँ चला गया है। और अभी जो है मैं टाइम बता दूँ आपको, 10 बजने वाले हैं लगभग, और ये अभी तक नहीं आए हैं, सुबह के ही गए हैं वहाँ पे। और यहाँ पे जो मेरा दाना हुआ था ये देखिए ठीक हो रहा है, ये आए नहीं है क्योंकि झाड़ू लगाया ना तो धूल एकदम चढ़ रही है। इन लोगों को आज जाना है, ये तो आई थी कि रुकेंगे एनिवर्सरी तक मेरे, क्योंकि 25 जून को मेरी एनिवर्सरी है, शादी की सालगिरह है। तो लेकिन कोई प्रॉब्लम है वो मैं अभी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन ये अभी तक नहीं आए हैं, और आज इतनी गर्मी है ना कि इतनी गर्मी है, आज तूफान तो 2 दिन पहले आया था लेकिन इतनी गर्मी है कि पूछिए मत। खेतों पे अरे वहाँ सेंटर पे जहाँ पे गेहूँ की क्रय विक्रय वगैरह होती हैं, वहाँ पे जहाँ खरीदी और बेची जाती है वहाँ पे गए हैं। और ये पता नहीं कब तक आएंगे, लेकिन खाना मैं फटाक से बना लेती हूँ क्योंकि इन लोगों को बनारस निकलना है अभी। उसके बाद मैं आप सबसे मिलती हूँ, क्योंकि बातें ज्यादा करने लगती हूँ ना तो फिर लेट हो जाता है। तो पहले ये कर लूँ, यहाँ से ये सब ओखली जिसमें दाल छाटते हैं, जिसमें दाल दरते हैं, जो चाकी बोलते हैं, जाता मैं तो आटा पीसते हैं, दाल दरने वाला, वो सारा दब गया था इसके वजह से मेरे दाल का काम भी रुका पड़ा है। तो बस मैं अभी आप सबसे थोड़ी से देर में मिलती हूँ। वीडियो में तो लगेगा ना कि अभी गई अभी आ गई, खाना बना के मिलती हूँ। तो जल्दी जल्दी में मैं बना रही थी कढ़ी, ये पकौड़ी वाली कढ़ी और चावल, और उसके साथ मैंने आलू बैंगन की सब्जी बनाई है और थोड़ा सा रायता, क्योंकि ये लोग जा रही हैं अचानक से। पापा भी आने वाले हैं मेरे, तो जाना ज़रूरी था, वरना सोची थी कि ये एनिवर्सरी तक मेरे रुकेंगी। और मेरे भांजे की शादी की वीडियो या फिर एल्बम है मेरे पास, अभी आई है। तो आप में से कौन कौन देखना चाहेगा कि वहाँ पे कैसे कैसे हमने कैसे मैंने अपने भांजे की शादी में बहुत सारी मस्ती की थी, हल्दी सारी रस्में वहाँ पे मेरे पूरे परिवार से भी मिल लेंगी, देख लेंगी उस वीडियो में। तो अगर आपको देखना है तो कमेंट करेंगी तो वो एल्बम में आप सबके साथ शेयर करूँगी। और शादी भी है हमारे यहाँ, तो बहुत जल्दी आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग में शेयर करने वाली हूँ। और ये देखिए यहाँ पे प्याज मैंने भून लिया है थोड़ा सा, और ये पकौड़ी प्याज की निकाली, इसमें मैंने डाल दिया है नमक और टमाटर। और मैं बनाऊँगी कढ़ी, कढ़ी वाली जो वीडियो थी ना वो थोड़ी सी स्किप हो गई। तो ये देखिए इन लोगों का बैग जो है वो एकदम अच्छे से तैयार हो गया है, अचार सचार सारा कुछ जो भी मैंने बनाया था इन लोगों को दे दिया है। और यहाँ पर ये लोग जो है
वो निकलने की तैयारी कर रही हैं। और ये क्षण बहुत भावुक वाला हो जाता है क्योंकि आप सबको पता ही है किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, और मुझे तो खासकर बिल्कुल पसंद नहीं है कि ये लोग जाएं, कभी नहीं जाएं, लेकिन क्या करेंगे, दुनिया की यही रीत है। और ये जो आप देख रहे हैं योगा मैट है, इन्होंने यहीं पर मंगाया था ये वाला योगा मैट, तो ये लेके जा रही है। मेरे पास भी, मैंने भी ऑर्डर किया है क्योंकि मेरा वेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा तो कुछ मैं अपने ढंग का लाइफ में कर पाऊँ, क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा बढ़ने से मुझे दिक्कत भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बस ये लोग देख लीजिए निकल रही हैं और अब ये चली जाएंगी। भाग भूग मत करा, चलो भागा। ना बेटा बढ़िया अच्छा से लाल के दिल्ली में दुखते बुतो तो शाम का टाइम होने वाला है, शाम का नहीं मतलब दोपहर का टाइम है। यहाँ पे वो लोग चली गई, रुकने वाली तो थी, फिर से मेरे आँख में स्वेलिंग शुरू हो गई है, पता नहीं क्यों। मुझे भी जाके बनारस दिखाना है, लेकिन अभी कुछ मेरे भांजे की शादी पड़ी है, तो वहाँ मैं शायद जाऊँ, तो अभी मैं सोच रही हूँ वो शादी निपट जाए, फिर उसके बाद अच्छे अच्छे ब्लॉग आप सबके साथ शेयर करूँगी। और चली जाती हैं तो पूरा घर एकदम सूना लगने लगता है, ऐसा लगता है घर की रौनक चली गई। इतनी मस्ती हम लोग करते हैं, इतनी मस्ती करते हैं। पिछले एक सालों में तो वो काफ़ी बार आई, और कोविड की वजह से तो पढ़ाई भी डिस्टर्ब है, तो मैं बुला लेती हूँ कि वहाँ पे रीज़न यही था कि काफ़ी टाइम हो गया था। पापा भी मेरे आने वाले हैं, मैं मिलाऊंगी जब मेरे पापा आएंगे, तो कुछ ही दिनों में पापा आ जाएंगे, तो थोड़े कुछ काम थे बहुत ज़्यादा ज़रूरी था तो चली गई। और जाती हैं तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, रम्या तो पूरा एकदम रोने लगी, और रोते रोते रम्या को सुला दिया है यहाँ पर। ये देखिए ये चने जो है ना, इसको ना दाल बनाने, एकदम खन 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 आवाज़ आ रही होगी, देखिए एकदम अच्छे से ये सूख गए हैं। और यहाँ पे मेरे कुछ यहाँ पे पार्सल आए पड़े थे, तो वो भी मैं धूप में निकाल के रख देती हूँ। ये देखिए ये भी मैं ना धूप में निकाल के रख देती हूँ, ताकि थोड़े से कोरोना की वजह से मैं रख देती हूँ। तो ये सारे काम मैंने ख़त्म कर लिए हैं, और मैं आप सबसे थोड़ी देर के बाद ही मिलूँ, क्योंकि थोड़ी थोड़ी धूप जा रही है, तो मैं सोच रही हूँ वो दाल दरने वाला चाकी यहीं पे ले आके दरना दाल को शुरू कर दूँ, ताकि ये काम भी अपना ख़त्म कर पाऊँ मैं। तो बस यहाँ पे हो रही है दाल दरने की तैयारी, और इसमें इतना ज़्यादा भार लगता है। बहुत आसान आपको दिख रहा होगा ना कि कुछ करना नहीं है, चार चार पाँच पाँच घंटे पूरा दिन लग जाता है। मुझे तो 3 दिन लगेंगे इसी चने के दाल को दरने में, अरहर की भी करनी है, आम का अचार भी बन चुका है, वो जल्दी ही शेयर करूंगी मैं आप सबके साथ। और मेरी वीडियो आप सबको कैसी लगती है ये भी मुझे कमेंट करके आप सब ज़रूर बताइएगा, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बस मैं यही कर रही थी यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, एक साल करेंगे नहीं तो खाएँगे क्या। और मेरे दिमाग में था ना, जैसे बहनें मेरी रहती हैं तो ये सारे काम मेरे बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाते हैं, कुछ नहीं तो हम लोग बैठ के बातें ही करते हैं, हाँ ही ये वो करते करते कैसे काम हो जाते हैं पता नहीं चलता है, लेकिन वो नहीं है। तो ये काम भी मतलब लग रहा है कि कितना ज़्यादा पहाड़ की तरह मेरे को। और अब मैं अभी वो लोग चली गई तो रोते रोते सो गई, और बची थी मैं, तो मैं सोची कि चलो अपना ये काम ख़त्म कर ही लेती। बहुत ज़्यादा थक गए हैं, और रम्या अभी देखिए जग गई है, दही खा रही है, और थोड़ी सी कटोरी में दही लेके मैं अभी बैठी हूँ। दही वैसे थोड़ा सा दूध था, इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि छाछ दही ये सब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मेरी बहनें चली गई तो थोड़ा सा दुख तो होता ही है, लेकिन क्या करेंगी, कोई कितने दिनों तक। मिलूंगी मैं आप सबसे कल के वीडियो में, तब तक के लिए आप सब बेहद अपना ख्याल रखें। और ये जो है ये अभी तक नहीं आए हैं, शाम के 4 बज गए हैं, पता नहीं ये कब तक आएंगे, बहुत ही ज़्यादा लग रहा है, लेट होगा। बीच में आए थे खाना खाने के लिए, खाना खा के फिर से चले गए हैं वहीं पे। और देख लीजिए किसान को कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि वो अन्न जो हमने पता है यहाँ पे रखा था, इतना ज़्यादा चूहे नुकसान किए, इतना ज़्यादा सीड़ बारिश सबसे बचा के हमारे घर में ना गैस बन जाती थी। देखिए ये रूम यहाँ से शुरू होके
वहां तक पीछे तक है, और उसी में आधा रूम में पूरा गेहूं भरा हुआ था, और उस गेहूं की वजह से पूरे रूम में एकदम गैस की तरह बनता था। और क्या हुआ था कि मैं यहाँ सोती हूँ और इसी के बगल में, और पूरा इतने मच्छर, अगर वो आपको दिख रहा होगा तो ये देखिए दाने दाने। और मैं पता नहीं क्या यहाँ वाला फोड़ा मेरा निकाल रही थी कि ले आओ मम्मी, ये आपको पिंपल नहीं, कुछ दाना निकल के कैसा दाना सा निकल गया है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। तो ब्लॉग मेरे कैसे लग रहे हैं जरूर बताइएगा कमेंट करके, और मैं अभी रिप्लाई नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत फिर से थोड़ी ऊंची नीची होती रहती है। औरतों को तो पता ही है कि 70 तरह के प्रॉब्लम होते हैं, कभी कुछ हो ही जाता है। तो मिलूंगी मैं आप सबसे एक कल की वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना बेहद ख्याल रखें, और थैंक यू सो मच फिर से आप सबका इतना सारा सपोर्ट और प्यार देने के लिए।